समय रेलवे स्टेशन के जो ई रिक्शा यूनियन के प्रधान हैं एच एस मेहता, वो मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मुझे बताएं कि लगातार जो हैं वो इल्ज़ाम लग रहे हैं, एलिगेशंस लग रहे हैं कि ई रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं वो हाथापाई पर उतर आते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। हम ऑटो स्टैंड पर जो आके वो अपनी ई रिक्शा जो है वो लगा देते हैं वहाँ पर, मतलब बदसलूकी करते हैं। बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम हैं जो ऑटो ड्राइवर्स जो हैं वो ई रिक्शा ड्राइवर्स पर लगा रहे हैं। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि हमारा जो ई रिक्शा यूनियन यहाँ की रेलवे स्टेशन की है, ये किसी के साथ में कोई दंगाबाजी कुछ नहीं करता। जो भी अपोजिट से आते हैं वो आके नहर पे लगा लेते हैं, काले आटे वाले उनसे 50-50, 100-100 रुपए लेके वो गाड़ियाँ वहाँ से लोड करवाते हैं। पर वो तो उनका स्टैंड है ना, काले आटे वालों का स्टैंड हमारे ई रिक्शे का स्टैंड नहीं दे रहे ना, वो ई रिक्शे वाले को लदा रहे हैं और भैया को वो लदा रहे हैं उधर से। वो हमारी गाड़ियाँ उधर अटैच नहीं होने देते, वो बोलते हैं ये गाड़ियाँ अपने स्टैंड पर ले जाओ। अच्छा। बोलो हम इधर, जब उधर से ही सवारी चले जाएगी सारी, इधर सवारी कौन सी आएगी? आपको तो अभी तक वैसे भी सिर्फ रूट मिले हैं, वो भी अभी मिले हैं कुछ ही समय पहले। रूट आपको मिले? रूट भी नहीं मिले मैम, रूट मिल चुके हैं आपके? नहीं, लिस्ट आ चुकी है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा। रूट मिल चुके होंगे लेकिन अभी हमारे पास में मैसेज कोई नहीं पहुँचा है। उसके मैसेज पहुंचने के बाद में हमारे रूट नहीं आई अभी तक, लिस्ट नहीं आई। और वो ई रिक्शा, ये ऑटो रिक्शा वाले हैं, ये दो रिक्शे इधर खड़े कर देते हैं, बोलते हैं हमारा स्टैंड है। दो रिक्शे इधर खड़े कर देते हैं, बोलते हैं हमारा स्टैंड है। एक दिन पहले भी हमारे ड्राइवर को एक दिन मार दिया इन्होंने। नहीं, पर वो तो कहते हैं कि ये शाम के समय में आते हैं और हम गुंडे लेकर आते हैं और मारने, कुछ इस तरीके की जो है वर्डिंग्स का इस्तेमाल किया। देखो ये बात होती है, ये तो दूसरे, वो तो जो पेट्रोल ऑटो वाले, काले ऑटो वाले हैं, वो एक्चुअली क्या है कि वो ई रिक्शा को बदनाम करने के लिए। आप किसी वक्त भी जो हमारे स्टैंड पे देखो, जो दारू वाइन बनी है वो पीने के लिए है, मगर ये नहीं है कि हर कोई पिएगा, हर कोई पीता नहीं है, मगर जो पीते हैं उनके ऊपर ब्लेम नहीं आता। जो बिना पिए हैं बस उनके ऊपर वो ब्लेम डाल देते हैं कि ये शराब पीते हैं। बात सिर्फ इतनी कि वो कहते हैं कि हाथापाई करते हैं। हाथापाई कोई नहीं करता। देखो पहले मेरी बात सुनो, उनके पास इस चीज़ का बकायदा प्रूफ भी। देखो अगर कोई 60 साल का प्रूफ भी है उनके पास, वीडियो मेरी बात सुनो, अगर कोई 60 साल का भी होगा। परसों बनाई है वीडियो लेकिन हमारे ड्राइवर को मार करके, उस ड्राइवर ने पुलिस रिपोर्ट भी FIR दर्ज करवाई हुई है। अच्छा। दोनों ड्राइवरों ने, जिसको नहर पर भी मार पड़ी है उसने भी FIR दर्ज करवाई है। मतलब ये आपस में ही लड़ते हैं? हाँ। खुद ही करके पर्चा करवाने चले जाते हैं? मैम नहीं ना, ये जब काले आटे वाले थे सब इकट्ठे ही आ जाते हैं, ठीक है। ई रिक्शा वाला अकेला होता है, वो क्या करेगा? एक वीडियो मिलता है, एक उधर से बोलता है उसको। सेम यही बात जो है ये ऑटो ड्राइवर्स भी करते हैं कि हम एक ही होते हैं और ये 4-5 बंदे लेकर आ जाते हैं। ई रिक्शा वाला जहाँ भी देखोगे ना आपको एक ही मिलेगा, इकट्ठे 3 नहीं मिलेंगे। आप जहाँ भी देखोगे एक ही मिलेगा। ई रिक्शा वाला, ये ऑटो वाले पूरे घेरने को आए थे। स्टैंड कितने होते हैं मैम? पर लड़ाई है किस चीज़ की? मेरे तो स्टैंड कितने होते हैं मैम? एक होता है, दो होते हैं। आप देखो बस स्टैंड में जाओ, पूरे ऑटो काले लगे हुए, ये हमारा स्टैंड है। यहाँ रेलवे में आप देखो कितने स्टैंड हैं इनके। अच्छा। कितने स्टैंड? एक स्टैंड हो गया, दो स्टैंड हो गए ना, 10 स्टैंड नहीं हो गए पूरे चौराहे से लेकर अंदर तक। सिर्फ लड़ाई किस चीज़ की है? लड़ाई अगर हम नानक नगर से सवारी बिठाते हैं तो वो बोलती है हमें कि रेलवे स्टेशन छोड़ना है, तो हम उसे रेलवे स्टेशन छोड़ेंगे। तो अगर आते समय वहीं से हमें सवारी मिलेगी तो हम ना बिठाएं वहाँ से। तो मैम एक काम ये करते हैं, अपना बंदा ले आते हैं, वो बोलता है हाँ जी 500 रुपया, अपना बंदा खड़ा करते हैं। ई रिक्शे वाले को पता नहीं होता है, आप हम वीडियो बनाएंगे, आप बोलना 500 रुपया सवारी है, वो बेचारा वीडियो उसको दूसरा बोलता है 500 रुपया, उसने बोला नहीं होता ई रिक्शे वाले ने, उसको पता भी नहीं मेरी वीडियो बन रही है। ऐसे ही अपनी खुद ही बना रहे हैं कि इनको बदनाम कर रहे हैं, 500 रुपया ले रहे हैं। आप एक भी बता दो किसी रिक्शे वाले ने 500 रुपया लिया मुझे ऑन स्पॉट, आप किसी को पूछ लो। इन्होंने कहा कि 3 दिन पहले ऐसा इंसिडेंट हुआ। मैम इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने घेर के ना खुद ही बोल रहे हैं कि हम वीडियो बनाएं। अभी मेरे सामने बात हुई, गलती में रिकॉर्डिंग ही, वो बोलता है आप एक बात करो, मैं बोलो आप 800 रुपये बोलना, मैं वीडियो बनाऊंगा उसके पोस्ट करूंगा, या हम वीडियो बना के पुलिस को दे देंगे। मैम मेरे सामने बात हुई अभी कोई आधे घंटे पहले। आप प्रधान हैं, इतनी समस्याएं आपके नीचे जो ई रिक्शा के जो ड्राइवर्स हैं उनको आ रही हैं, क्या आपने अपने जो यूनियन के जो पूरे प्रधान हैं ई रिक्शा के, आपने उन तक ये समस्याएं नहीं पहुँचाई? हमने सारा इंतजाम किया हुआ है, हमारी गाड़ी कोई ऊपर नहीं जाती है, लेकिन वो जो बाहर की गाड़ियाँ आके लगती हैं उनको वो साथ दे करके उनको पैसे भी दिलवाए जा रहे हैं, उनसे पैसे भी खिलाए जा रहे हैं, वो खुद भी खाते हैं और उनको सवारी दे देते हैं। सवारी नीचे कहाँ से आएगी? अभी आप फिर वो हमारे ऑटो ये लगे हैं सारे आपके सामने लगे, ये हमने स्टैंड यहाँ पे बनाया। ये आपने खुद ही स्टैंड बना लिया? खुद नहीं, ये भाई बंदी तो बनाया, हाँ मेल बांट के जो बनाया हमने स्टैंड बनाया, मगर हम यहीं पे खड़े हैं। आपको तो कहा गया था ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आपको प्रॉपर चार्जिंग के स्टैंड दिए जाएंगे, सिस्टम पूरा दिया जाएगा। वो तो दिया गया था,
लेकिन अभी तक हमारे पास में कोई मैसेज नहीं पहुंचा ना। दिया गया था तो किधर गया? कहीं भी नहीं दिया गया। लेकिन वो यही बात बता रहे हैं कि जहां से ई रिक्शा को सवारी हाथ देगी वहाँ से आप लोड कर सकते हैं। बिल्कुल यही चीज़ वो भी कह रहे हैं कि ये सड़क से ही सवारियाँ उठाते फिर रहे हैं। वो रेट अगर देखें, अगर वो छतवारी जाने का 200 या 300 मांगता है, अगर हम 50 रुपये में जाते हैं तो उन्हें उनको इस बात का दुख लगता है कि हम क्यों लेके जा रहे हैं सवारी। किराए का फर्क होता है, उनको लेने 300-400 रुपया, हमने 50-30 रुपये, अगर 3 सवारी बैठेंगी तो हमने 20-30 रुपये में बैठा लेनी है। उनका कहना है कि इनके पास कोई इनको हमें इतने डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ते हैं, एक सुनिए, हमें इतने डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़े, हमारे पास परमिट है, हमारे पास इंश्योरेंस है, हमारे पास RC है, हमें टैक्स जो है वो कटवाना पड़ता है, इनका क्या है, इनको तो कुछ भी नहीं करवाना पड़ता। हमारे पास में आप, मैं चेक करवा देता हूँ, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, हमारा RC 15 साल की बनी हुई है और इंश्योर 7500 रुपया पर ईयर लग रही है। अच्छा। वो कहाँ से हम देंगे? गाड़ी की किस्त अभी 5000 रुपया गाड़ी का किस्त आ रहा है, वो घर से गाड़ी खड़ी करके निकालेंगे? बिजली का बिजली चार्जिंग करते हैं हम, गाड़ी चार्जिंग कहाँ से करते हैं? घर पे करते हैं। वो चार्जिंग बाहर थोड़ी लगाई, गवर्नमेंट ने हमें लगा के दी, आप यहाँ पे फ्री करो। गलती किसकी समझते हैं आप कि आपको इतने सपने दिखाए गए थे कि ई रिक्शा आ रहे हैं आपके लिए? गलती देखो, गलती है ये स्मार्ट सिटी बनाने वालों की गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की। उन्होंने बोला कि ये दे दिया हमें स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, रिक्शे दे दिए हमें, मगर उन्होंने प्रॉपर पूरा काम नहीं किया। अगर रिक्शे बनाए हैं तो उनको जैसे है वैसे चलने दो। ये थोड़ी ना कि हमने रिक्शा ले लिया, 2-2.5 लाख रुपया खर्चा, अब काले ऑटो वाले बोलेंगे कि ये नहीं चलाना, वो तो गलत बात है ना। अगर 2.5 लाख रुपया खर्चा है वो कहाँ से पूरे करने हैं? बिजली भी हमारी है, जैसे पहले हमारा बिल घर में 5-7 सौ आता था, अभी 2022 रुपया बिल आता है। अच्छा, वो बिल वो पैसे नहीं लगते, वो कहाँ से आएंगे? स्मार्ट मीटर है वो कहाँ से आएंगे पैसे? और इसमें बैटरी भी डलती, बैटरी का पानी भी 15 दिन के बाद पानी डलता है, रिपेयरिंग उतनी है। वो सिर्फ बस यही बोल देते हैं कि हमारा परमिट है, हमें भी परमिट इशू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें परमिट इशू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दे, हम परमिट लेने को तैयार हैं, परमिट हमें भी दिला दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ले लेंगे परमिट। लेकिन एक दिक्कत हमारे में ये आ रही है कि अगर वो 200 रुपये का रोज पेट्रोल डाल रहे हैं, हमारी भी एक साल के बाद बैटरी अगर ख़त्म होगी 80,000 रुपये की बैटरी पड़ेगी, उसी के हिसाब से कितना एवरेज बढ़ गया हमारे को, ये बताओ। साथ में मैम एक बात है कि रेलवे स्टेशन एक है, ठीक है, अब काले ऑटो वाले ने क्या किया कि उनको पूरे चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। आप खुद जाके देखो, 6 स्टैंड होंगे इनके, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं पूछती उनको कि 6 स्टैंड आपके कहाँ से आए? जो रजिस्टर्ड होगा, मिनिमम रजिस्टर्ड होगा एक होगा, वो भी अंदर वाला, जो अंदर रेलवे स्टेशन के अंदर होगा वो एक स्टैंड होगा, बाकी जो उन्होंने खुद ज़बरदस्ती बना रखी है। और इनके पास अगर आप इनके कागज़ चेक करेंगे ना, तो इनके पास शायद मुश्किल में 10 में से 2 के पास भी लाइसेंस नहीं मिलेगी, 2 के पास भी लाइसेंस नहीं मिलेंगे, इनके पास RC टोकन कुछ नहीं होगा। ये 50 साल से चला रहे हैं, अगर रिक्शे चला रहे हैं, ये तभी गरीब थे, ये आज भी बोलते हैं हमने किस्तें नहीं भरी, क्या इनके इन्होंने किस्तें नहीं भरी तब तक? 50 साल से ये किस्तों में डूबे हुए हैं अभी तक। अंत में आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुजारिश करना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी यही सोचता है कि घर से हम निकलें तो कमाई के लिए निकले। एडमिनिस्ट्रेशन से आप यही गुजारिश करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं ये आपने स्मॉल सिटी के तौर पर डाली हैं, लेकिन इसका भी खर्चा उतना ही आ रहा है जितना पेट्रोल गाड़ी का आ रहा है, उसको एक परमिट की फ़ीस भरनी पड़ती है अलग से, बाकी फिटनेस हमारी 2 साल के बाद फिटनेस होगी, इंश्योर हमारी 1 साल के बाद इंश्योर होगी, हमारा 4+1 इंश्योर है, उनकी 2+1 है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि जिस तरीके से लगातार एलिगेशंस जो हैं, एलिगेशन ही मैं कहूँगी, लगाए जा रहे हैं ऑटो ड्राइवर्स की तरफ से ई रिक्शा ड्राइवर्स पर, तो आपने सुन लिया कि दोनों तरफ की बात हमने आपको बता दी कि जो एलिगेशंस लग रहे हैं, इन्होंने भी साफ कर दिया कि वाकई में बात क्या है। अब दोनों तरफ जो बातें हैं वो उनमें एक चीज़ जो है वो सिमिलर पाई जा रही, वो ये है कि ऑटो ड्राइवर्स और ई रिक्शा दोनों यही कह रहे हैं कि हमारे लिए जो है वो हमें कहा गया था कि आपको स्टैंड दिए जाएंगे, और वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में एडमिनिस्ट्रेशन की गलती मानते हैं कि जब आपने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाया, हमें बोला कि आपको प्रॉपर स्टैंड मिलेंगे, उसके बाद आज हो ये रहा है कि इन लोगों को अपने घर की बत्ती जो है वो फूकनी पड़ रही है, जहाँ पर बिल इनका 300-400 आना चाहिए वहाँ 2-2 हज़ार जो है इनका बिल आ रहा है। यानी कि स्मार्ट सिटी का जो सपना था वो इनको दिखाया गया, अब हो ये रहा है कि इनके पास कोई चारा नहीं है, इन्होंने अपना गुजर बसर जो है यही ई रिक्शा से है वो
चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जो इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको प्रॉपर स्टैंड दे दिए जाएँ, जो इनके रूट्स हैं उनको एक बार प्रॉपर तरीके से देखा जाए, प्रॉपर जो है ग्राउंड लेवल पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कराई जाए, ताकि ऑटो ड्राइवर्स भी अपना काम ठीक तरीके से कर पाएँ और जो ई रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो भी अपनी रोजी रोटी ठीक तरीके से कमा पाएँ।